In this video, we'll be talking about the FAQs, frequently asked question by many of the student. So I thought एक वीडियो में बनाऊं जिसमें सारे FAQs कवर करते हैं, ठीक है? फिर भी इसमें कुछ अगर आपके FAQs रह गए हैं या कुछ डाउट रह गए हैं तो कमेंट में लिख के आप पूछ लेना. So one by one, let's talk about all the FAQs. आपके gap year को लेके, academic को लेकर के, backlog को लेकर के, interview हिंदी में होगा, English में होगा, language को लेकर के. One by one, let's talk about all your FAQs, ठीक है? ये वीडियो को please share कर देना to every aspirant so that अगर उनके भी ये doubt है तो वो clear हो जाए इस वीडियो के बाद, ठीक है? So let's get started. सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू जस्टिफाई गैप ईयर. काफ़ी लोगों का गैप है. कुछ लोग यूपीएससी लिखने में प्रिपरेशन में रह गए, किसी का प्रीलिम निकला, किसी का नहीं निकला, किसी का प्रीलिम निकलने के बाद मेंस में रह गया, एक्स वाई जेड. आफ्टर देन व्हाट दे डू, दे स्टार्ट दियर टीआईएसएस प्रिपरेशन, ठीक है? अभी तक का सिनेरियो ऐसा ही था कि लोग टेस्ट के लिए फिर फोकस हो जाते थे बिकॉज एचआरएम के लिए एंड अदर कोर्सेज के लिए प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं. सो अगर आपका गैप ईयर है, दैट इज़ द वन की एक आपने यूपीएससी या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. सेकेंड ये हो सकता है कि आपने आफ्टर ग्रेजुएशन आपने काम करना चालू कर दिया, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग, राइट? तो गैप ईयर आ गया एंड ऑल ऑफ सडन यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अभी टेस्ट के लिए जाना है. तो जो भी आपके रीजन्स हैं उसको जस्टिफाई करना, उसको आप जो एक्चुअल में है वो पॉइंट को रख करके आप जो पैनलिस्ट है उनको आपको कन्विंस करना रहेगा. तो कन्विंस आई मीन टू से कि आप जो एक्चुअल रीजन है आपने वो बता दिया, उसमें कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए. देर शुड नॉट बी एनीथिंग विच जो कि ब्लफिंग हो, या वो आपको ध्यान देना है, ठीक है? सो जो भी है वो आप क्लियर रखो. आपने जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो नहीं निकला तो उसके वजह से दे विल जज यू और दे विल जज योर पोटेंशियल. ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है. तो अपना जो इंटरव्यू राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड एंड एक्सटेम्पर राउंड में वी टेक एवरी ईयर दिस वन टू वन सेशन. तो आप जब भी आपका स्टेज वन क्लियर कर लोगे सीयूटी पीजी और जब भी आप सेकेंड राउंड के लिए आओगे, देन एट मिनिमम वी विल गाइड ऑल द स्टूडेंट, लाइव या क्लासरूम स्टूडेंट हो आप, तो उसमें वी विल बी गाइडिंग यू कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है एंड हाउ यू शुड जस्टिफाई योर गैप ईयर. तो उसमें हम गाइड करेंगे, बट अभी के लिए ये सब चीज़ें आप ये वीडियो के थ्रू सीख लो, समझ लो. सो दैट वुड बी बेटर, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड इज नथिंग बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. बहुत लोग फ्रेशर होते हैं, सर वर्क एक्सपीरियंस वाले का सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा. तो सो दिस इज वॉट द कॉमन डाउट. यार आपका वर्क एक्सपीरियंस है, दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर यू. आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, यू गोइंग फॉर द एच आर एम प्रोग्राम, तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास सेम डोमेन में है, ठीक है? मान लेते एक बंदे ने एच आर एम से अपना बैकग्राउंड, उसका एकेडमिक जो है सेम है, ग्रेजुएट ने उसी बैकग्राउंड से किया है, ठीक है? उसके बाद उसने वर्क एक्सपीरियंस भी सेम फील्ड में है, उसके बाद सी यू टी का एग्जाम है, उसमें भी अच्छा किया है, इंटरव्यू में भी अच्छा किया है. और एक तरफ दूसरा बंदा है जिसका बैकग्राउंड नहीं है एच आर एम का, उसका वर्क एक्सपीरियंस है बट स्कोर वगैरह ओके ओके है, तो चांस ऑफ सिलेक्शन किसका ज़्यादा होगा? बट ऑब्वियस इस बंदे का होने वाला है. सो दिस इज वॉट द डिफरेंस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. इट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस, राइट? तो आपका कंप्लीट एकेडमिक बैकग्राउंड देखेंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस है अच्छी बात है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं. आपने एंट्रेंस में अच्छा किया, आपने इंटरव्यू राउंड में बहुत अच्छा किया हुआ है तो भी आपका चांस है सिलेक्शन का. चाहे तो वर्क एक्सपीरियंस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर्स ऐड हो रहे हैं, बट वही सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसके भरोसे. सो दैट इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो दैट इज़ अ वन एड ऑन. सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया आपने तो और अच्छी बात है, इंटर्नशिप किया और अच्छी बात है. नहीं भी किया है तो आपने आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपके पास इंटर्नशिप या तो आपका कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया है, नहीं किया तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कर लोगे तो और भी अच्छी बात है. दूसरा, आपने एंट्रेंस में अच्छा किया एंड इंटरव्यू में भी आपने फोड़ा है तो आपका भी चांसेस ऑफ सिलेक्शन बनेगा. ऐसा नहीं है कि आप फ्रेशर हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा. दोज यू हैव दिस काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस, काइंडली रीड आउट फ्रॉम दिस थॉट प्रोसेस, ओके? बहुत लोगों का ये भी डाउट आ रहा है कि सर एकेडमिक में मेरा बैकलॉग लग गया था तो गैप है, उसके बाद मैंने अभी मैं अपीयर कर रहा हूँ और जो बैकलॉग है उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. वी नीड टू अंडरस्टैंड आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज द वन. दूसरा, अगर जितने भी बैकलॉग्स है मेक श्योर आपका टिस एग्जाम होने के बाद एडमिशन प्रोसेस था वो सब क्लियर हो जाए. आपके पास आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन प्रोसेस इन टीआईएसएस. तो इसको लेकर लोन नहीं लेना. लास्ट क्वेश्चन विच आस्क्ड बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सर इंटरव्यू इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा? देखो ये टोटली डिपेंडेंट है पैनलिस्ट के ऊपर. लास्ट ईयर भी मैंने एवरी ईयर इनफैक्ट आई टेक द इंटरव्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड उसके बाद जब उनका एक्चुअल राउंड होता है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं. आई हैव टेकन द मेनी पॉडकास्ट लाइक वाइज. तो
ये पैनल टू पैनल डिपेंड करेगा। हाँ, अगर आप फ्लैगशिप कोर्स के लिए जा रहे हो, एच आर एम एल ओडिसी एनालिटिक्स, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि भाई अपनी इंग्लिश थोड़ी बेटर कर लेना। दैट वुड बी बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ। ठीक है, दे अलाउ यू टू स्पीक इन हिंदी बट सम ऑफ द पैनलिस्ट डोंट अलाउ। ये भी मुझे लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने बोला कि मैक्सिमम लोग अलाउ कर रहे थे बट कहीं कहीं पे था कि नहीं, आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो आपको प्रिपेयर रहना है। एंड फ्लैगशिप कोर्स के लिए तो मैं बोलूँगा कि आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रखो, उस पर काम करना चालू कर दो, बिकॉज दैट विल बी अ काइंड ऑफ एड ऑन। एक बच्चा जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, एचआरएम बैकग्राउंड है, एंट्रेंस में फोड़ा है और उसका वर्क एक्सपीरियंस भी है, और आपका भी सेम बैकग्राउंड है बट कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप थोड़ा सा चांस ऑफ सिलेक्शन आपका कम हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे चांस ऑफ सिलेक्शन बनेगा आपका? तो दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। मैंने मेजर एफएक्यूज कवर कर लिए। कुछ भी डाउट क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी प्रिपरेशन के लिए आपका मॉक वगैरह लॉन्च है, मॉक लिखना चालू कर दो, वीडियो देखना चालू कर दो, प्रैक्टिस करना चालू कर दो, सो दैट यू कैन क्लियर योर सीयूटी, सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम विद गुड स्कोर एंड स्टेज टू के लिए अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाए। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।